भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसा चारा बनाने जा रहा हूँ, रोहू कटला मिर्गल, उसका बेट बनाने जा रहा हूँ। और भाइयों इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपको पूरा मैं जो है बनाकर बताऊंगा। ये सबसे पहले है बन, और इसको जो है पूरा ऐसा छिल लेना, ये काला जो है पूरा निकाल लेना, क्योंकि ये तो निकाले ना तो गल को आटा अच्छा बैठता है, अगर ये नहीं निकाले बोले तो पानी में पूरा गल जाता है आटा। इसको अच्छा मिक्स कर लेना है ऐसा, ये गुलाब जामुन का आटा, इसमें आप आपके हिसाब से मिक्स कर लें, जितना लगे उतना मिक्स कर लें। भाइयों ये है जो है आंगनवाड़ी आटा है, आंगनवाड़ी गेहूँ का आटा एक गिलास लिए तो ये आंगनवाड़ी का आटा भी एक गिलास ले लेना, इसमें मिक्स कर लेना। जो ज्वारी का भूसा है जो आप लोगों घर में अगर ज्वारी खाते होंगे तो इसका जो है भूसा निकाल के रखना, ये आटे में बहुत बड़ा कारीगर है, बहुत अच्छा काम देता है, कोंडे की वजह ये दालत भी चलता। ये है हींग, ये हींग बोले तो मच्छी को बहुत पसंद है, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना, ज़रा सा, क्योंकि ज़्यादा डाले तो एकदम मच्छी अटैक नहीं करती, सिर्फ ज़रा डाल लेना। यह है छिलके वाला चना, इसको जो है ग्राइंडर मिक्सर में बारीक पाउडर बना लेना इसका, अब हम बना लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। भाइयों ये जो है चने जो बताया था आपको, ये ऐसा पाउडर बन गया, ऐसा पाउडर आप भी बना लेना और इसमें मिक्स कर लेना थोड़ा। भाइयों ये जो है मैदे का आटा है, मैदे का आटा भी इसमें थोड़ा बहुत मिक्स कर लेना, क्योंकि मैदे का आटा रहा तो थोड़ा चिकटपन होता आटा। भाइयों ये है चक्की फ्रेश आटा, इसमें ज़्यादा कर ये आटा मिक्स कर लेना। दोस्तों ये है घी, घी अपने हिसाब से इसमें मिक्स कर लेना, क्योंकि थोड़ा डालना ज़्यादा भी नहीं, खाली इसकी महक है। ये भाइयों मैंने ये राशन चावल बॉईल कर लिया है, बना लिया है छिल के, यानी बॉईल कर लिया, आप भी जो है इसको बॉईल कर लेना राशन का चावल। भाइयों ये सबसे लास्ट आइटम है, ये है मौज, और मौज ऐसा तैयार लेना पूरा पका हुआ, और इसमें जो है इसकी छाल निकाल कर इसमें आटे में अच्छा मिक्स कर लेना। भाइयों ये बेट बनकर रेडी हो गया, आप भी जो है आप लोगों की ऐसी इस तरीके से बना लेना, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और इसका और मैं इसका रिज़ल्ट का वीडियो मैं कल फिर डालूँगा इसका रिज़ल्ट। और सब्सक्राइब करो और लाइक करो मेरे चैनल पे, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।